मेरा देश मेरा प्रदेश न्यूज। विजयदशमी के अवसर पर श्री नरसिंह भक्त मंडल एवं सिद्धि विनायक गरबा महोत्सव समिति के संयुक्त तत्वाधान में बाल कलाकार कुशाग्र सचिन सोनी को प्रोत्साहित करते हुए रावण दहन के अनूठे कार्यक्रम का आयोजन दीप मालिका चौक पर किया गया। इस अवसर पर श्री नरसिंह ऋषभदेव मंदिर में पूर्व नगर पालिका उपाध्यक्ष श्री अशोक अरोरा एवं सचिन सोनी द्वारा भव्य महाआरती संपन्न करने के उपरांत मंदिर से भगवान राम लक्ष्मण हनुमान की जीवंत झांकी ढोल धमाकों के साथ नगर के प्रमुख मार्गों से होती हुई दीप मालिका पहुंचने पर दीप मालिका जी एवं कालिका माता जी की भव्य आरती पंडित बिट्टू भट्ट जितेंद्र बाटक के सानिध्य में उतारी गई। तत्पश्चात रावण के पुतले का दहन राम रूप में सजे कुशाग्र सोनी ने जलते तीर से दहन किया। इस अवसर पर पंकज चौहान, डॉक्टर सागर मित्रा, श्रीमंत अरोरा, मुकेश पांचाल, पार्षद आनंद चौहान, श्री भव्य पांचाल, श्री भेरूलाल वैद्य, राजू धानक, दिलीप पांचाल, अंकित जोशी, अजय चौहान, बाबूलाल सोनी, वर्दीजन पांचाल, श्री रमेश चौहान, जयंती भाई पांचाल, पत्रकार मध्य प्रदेश शासन से अधीन मान्य प्रदेश सचिव पत्रकार मनोज उपाध्याय, नीलिमा राकेश डाबी, मेरा देश मेरा प्रदेश न्यूज की सह संपादक, जिला ब्यूरो कुड़ेश्वर टाइम्स मनीष वाघेला, धवल अरोरा सहित बड़ी संख्या में नागरिकों, बच्चों एवं मातृशक्ति ने भाग लिया। कार्यक्रम के अंत में प्रसादी का वितरण भी किया गया। खानला से नीलिमा डाबी की रिपोर्ट। आज आपने ये रावण दहन का प्रोग्राम रखा है, किस उद्देश्य से रखा है? क्या है, विजयदशमी का पर्व हमारे भारतीय संस्कृति में बड़ा गौरव का पर्व रहता है कि आज के दिन भगवान श्री राम ने अन्याय पर न्याय की विजय, असत्य पर सत्य की विजय के रूप में जो है लंका में रावण का संहार किया था, उस उपलक्ष्य में विजयदशमी का पर्व मनाया जाता है। और इस पर्व का उत्साह विशेषकर हमारी आने वाली पीढ़ी जो बच्चे हैं उनमें होता है, लेकिन इस वर्ष जो है कोरोना महामारी की वजह से बच्चों के बीच में ये संदेश गया कि इस बार दशहरा का मेला नहीं लगेगा, रावण का दहन नहीं होगा, नगर पालिका की ओर से भी नहीं होगा, लेकिन अंत में उन्होंने सांकेतिक रूप से आज दहन किया। लेकिन हमारे कुशाग्र जो एक बालक है, कुशाग्र सचिन सोनी, बहुत ही छोटा बालक है, उसने बच्चों की मनोदशाओं को देखते हुए स्वयं ने रावण बनाया और बहुत ही अच्छा रावण बनाया, काबिले तारीफ है। और इसको हमने उत्साहित करने के लिए हमने कहा कि भाई आपने जो रावण बनाया है इस कला का प्रदर्शन बीज बाज़ार में होना चाहिए, और आप देख रहे हैं यहाँ ज़्यादातर संख्या बच्चों की है। आज ये बच्चों में बड़ा उत्साह है रावण दहन के लिए, सभी बच्चे आए हैं इस नगर क्षेत्र ने इस तरह के रावण बनाने की एक इच्छा जाहिर की है, तो आप उन्हें और क्या आगे बढ़ाने के लिए क्या प्रोसीज करेंगे? मैं तो सब बच्चों से कहता हूँ कि अपने घर पर एक एक रावण बनाएं और हर साल अपने मोहल्ले में दहन हो और असत्य पे सत्य की जीत हो, ये प्रेरणा गली गली में जाएं, सभी को मिलें, बुराइयों का अंत हो, भ्रष्टाचारी का अंत हो और अच्छाई सब जगह फैल जाए, बुराई का पूरी तरह से अंत हो जाए। बहुत खुशी की बात है, आज हम नरसिंह भक्त मंडल ने एक नया प्रयास एक बच्चों के माध्यम से और एक सचिन जी सोनी जी जो नरसिंह भक्त मंडल के सरसंयोजक है उनके बालक ने आज बहुत अच्छा ये रावण का पुतला बनाकर कोविड-19 जैसे रावण दहन करेंगे, कोविड-19 इसके साथ ही दहन होगा, हम ऐसे संकल्प साथ हम ऐसे काम के साथ में इसका रावण दहन और राम जी के भगवान राम और लक्ष्मण और हनुमान जी के प्रयास से आज पूरा भारत पूरे विश्व में कोविड-19 खत्म हो और बच्चों में जो एक नया उत्साह है और ये बच्चों ने आज ये नया प्रयास करा उनका बहुत खुशी का माहौल है और बहुत अच्छा ये उन्होंने प्रयास किया है। जय हिंद।